दोस्तों, केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अगर बात करें तो रिसेंटली ऑफिशियल अपडेट्स देने की तैयारियां कर रही है। एक बड़ा मेजर इवेंट जो कि वर्ल्ड कप था, और यहां पर अनडाउटेडली ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा खेली और एक और बार यार चैंपियंस बन गई है। बट अनडाउटेडली यार टीम इंडिया डिजर्व करती थी, और किसी प्लेयर के लिए फील हो या फिर ना हो, रोहित शर्मा तो एक ट्रॉफी ज़रूर डिजर्व करते थे, वो भी वर्ल्ड कप के अपने हाथ में उठाना और एज अ कैप्टन उसको उठाना। बट यार उम्मीद करेंगे कि अब कुछ ना कुछ तो अच्छा हो, क्योंकि आगे आने वाला है T20 वर्ल्ड कप और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। तो लेट्स सी, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम इंडिया की हार की मेजर वजह क्या थी वर्ल्ड कप ODI वाले मुकाबले में। अगर बात करें तो टीम KKR यहां पर एक बार फिर से अपने पुराने साथी यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो कि है पैट कमिंस, उनके ऊपर पूरा दांव खेलने वाली है। साल 2022 के ऑक्शन में उन्होंने अपना नाम हटा लिया था, क्योंकि आपको याद होगा तब वहां पर पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने टीम की कमान संभाली थी और उनको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर कैप्टन बनाया था। और तब यहाँ पर पैट कमिंस ने एक हार्श डिसीजन लिया था, उन्होंने पैसे छोड़कर देश को चूज किया, और वहीं इंडियंस हैं जो देश को छोड़कर पैसों को चूज करते हैं। इसके पीछे कारण आपको साफ पता चल रहा होगा, लगातार ऑस्ट्रेलिया मुकाबले जीत रहा था बट पैट कमिंस वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे। बट एक बार जहाँ मैक्सवेल ने मैच जिताया, वहाँ पर उन्होंने साथ खड़े रहकर मैक्सवेल के साथ विकेट बचाए रखा। इसके बाद सेमीफाइनल के अंदर भी मिचेल स्टार्क के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करके यहां पर मैच बनाए रखा। यही नहीं दोस्तों, कमेंटेटर इतना कर्स और इतना बुरा पैट कमिंस के लिए बोल रहे थे, पैट कमिंस ने धैर्य बनाए रखा और एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस फाइनल के अंदर गेंदबाजी के साथ दिखाई और सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया। और पैट कमिंस की बात करें तो अब साल 2023 का जो मिनी ऑक्शन होने वाला है, जो कि अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, वहां पर वो अपना नाम देंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि टीम KKR एक वैल्यूएबल खिलाड़ी को नहीं छोड़ने वाली है। नो डाउट थोड़ा फॉर्म इनका ऊपर नीचे रहता है, खासतौर पर T20 की अगर बात करें, बट OP प्लेयर है ये यहाँ पर ODI के। T20 के अंदर भी अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे IPL एक अलग फॉर्मेट है, बट टीम KKR अपने पुराने घोड़ों के ऊपर ज़रूर दाव खेलना चाहेगी। अब देखते हैं ये दाव उल्टा पड़ता है सीधा पड़ता है, बट बेस प्राइस से तो महंगे ही आने वाले हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको लगता है कि पैट कमिंस टीम KKR टारगेट करेगी और उसको अपनी टीम में ले लेगी या फिर नहीं ले पाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।